पुलिस पुलिस ग्रैंडपा दी पुलिस एक बार फिर से आ गया और मैं हूँ ग्रैनी ग्रैंडपा। आप लोग मैं कितनी बार बताऊं, आप लोग पुलिस नहीं, आप लोग तो बच्चा चोर है। बच्चा चोर आप कितने के सामने ही बच्चा चोर बोल रहा है। अरे पिछली बार तू बच के था इस बिटवा, पर इस बार तू नहीं बच पाएगा। तो हेलो डिशन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो गाइस सब लोग दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आज हम लोग खेलने वाले हैं इंस्पेक्टर ग्रैंडपा और हवलदार ग्रैनी मून। अरे अब भी मजा आ रहा है। अरे हाँ भाई, मैं तो आप लोग को ये बताना भूल ही गया था कि इस गेम में इंडियन आर्मी सिलेंडरी ना भी है, जिसका गाइस कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अभी गाइस इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट में गाइस सब लोग जय हिंद भी लिख देना। तो चलो यार लेट्स गो। तो अभी हमारा D1 भी शुरू हो चुका है, और ये लो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं इंस्पेक्टर ग्रैंडपा और हवलदार ग्रैनी के घर पे। और इन्होंने फिलहाल तो मेरे को जेल में बंद रखा है, बट डोंट वरी गाइस हमारे पास ना लॉक पिक भी है, जिससे अभी हम लोग ये गेट को खोल लेगा रे बाबा। और हाँ गाइस, इस वाले वीडियो पे हम लोग 10,000 का लकी रखते हैं, और जैसे ही हमारा 10,000 पूरे हो जाएंगे ना, तो ये वाला मोड को मैं पब्लिक कर दूंगा गाइस, जिससे आप लोग भी ये वाला मोड आराम से खेल पाएंगे। तो फिर सोच के रहो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो रे बाबा। तो चलो भाई आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को किसी के फुटेज सुनाई दे रहे हैं, जैसे कि गाइस कोई यही अगल बगल पे घूम रहा हो। तो चलो यार एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ से मेरे को फ्यूज मिल गया। वी, 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 वी। चल रहा बुढ़िया जल्दी से चोर को पकड़, हमारा चोर जहाँ से भाग गया। अरे ये क्या भाई, ये लोग तो मेरे को ढूंढ रहे हैं। पुलिस ग्रैंडपा आया घर से पैसा निकाल, पुलिस ग्रैंडपा आया घर से पैसा निकाल। एक नंबर का घुसखोर है ये बुड्ढा। ओके गाइस, तो फिलहाल ग्रैनी बाहर की साइड गई है। तो चलो यार एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, और फिलहाल यहाँ पे एक वायर पड़ा है जिसको हम लोग बाद में लेने वाले हैं। तो ठीक है यार, अभी ना ये वाला फ्यूज को हम लोग इस वाले मशीन में लगा देते हैं, और आज ना कैसे हम लोग ब्रिज स्किप करने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे को ब्रिज स्किप करने के लिए बहुत सारे सामान मिल चुके हैं। तो चलो यार अभी मेरे को यहाँ पे जनरेटर केबल भी मिल चुका है, तो अभी हम लोग ये वाला जनरेटर केबल को ले चलते हैं जनरेटर की साइड। और हाँ उधर से मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ गाइस, क्योंकि उधर में बुड्ढा बुढ़िया कैंपिंग कर रहे हैं रे बाबा। तो आज ना मैं जब तक बुड्ढा से शॉटगन ना छीन लूं भाई, तब तक मैं ये बुड्ढा बुढ़िया से पंगा नहीं लेने वाला। और फिलहाल मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन अभी ना गाइस थोड़ा संभल के, क्योंकि कभी कभी बुड्ढा खुले में ही पॉटी करता है रे बाबा। थैंक गॉड भाई फिलहाल तो वो यहाँ पे है ही नहीं। और हाँ कभी कभी ना किचन में भी कुछ ना कुछ जरूर पड़ा होता है, तो एक बार हम लोग किचन के अंदर भी चेक कर लेते हैं। तो ठीक है यार, फिलहाल कबर्ड तो पूरा खाली है, एंड ये वाला कबर्ड भी खाली है, पक्का भी ड्रोवर में कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए। हाँ दे भाई, ये भी ग्रैंड ग्रैंडपा के दिमाग की तरह खाली ही है, मुझे तो लगता है गाइस यहाँ पे हमें कुछ और वेट ये मिला ना गाइस हमें यहाँ पे। तो फिलहाल हमें यहाँ से वेपन की मिल गया भाई, तो अभी ना हम लोग डायरेक्ट तो अंदर नहीं जाने वाले, तो इसलिए हमने थोड़ी सी यहाँ पे शोर कर लिया, ताकि ना ये शोर से ग्रैनी यहाँ पे आ जाए, और फिर क्या गाइस मैं यहाँ से निकल लेगा रे बाबा। और फिलहाल गाइस मेरे को यहाँ से एक स्टोन भी मिल गया है, और आप लोगों को तो पता है भाई मैं कितना बड़ा प्रो प्लेयर हूँ। तो जल्दी से सब लोग कमेंट में पीरो देसी बिटवा लिख देना, तो सब लोग कमेंट करो गाइस पीरो देसी बिटवा। अरे भैंस की बिटिया, देसी बिटो की आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा भाई, तो ये बुड्ढा यहीं पे कैंपिंग कर रहा है। और हाँ ये बुड्ढा ना मेरे को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ही परेशान किया था, तो फाइनली अभी बदला लेने का टाइम आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो अभी बिल्कुल आराम से भाई। बस देसी बिटो बस एक बार हाथ में आ जाए, बम से उड़ा दूंगा। निकल निकल टकलू कहीं का, मेरे को बम से उड़ाएगा। हेड टूटा टकला फूटा। ओके गाइस, तो फिलहाल अभी ऊपर में काफी ज्यादा ही शुरू हो गया है, और अभी ग्रैनी सोर्स में ऊपर की साइड जाती होगी। ओ भाई साहब, ग्रैनी तो काफी ज्यादा ही गुस्सा लग रही है, और फिलहाल ना भाई मेरे को काफी डर भी लग रहा है, बस ये बुढ़िया भी नीचे की साइड ना आ जाए रे बाबा, वरना ये बेफिजूल मार के मेरा पुड़िया बना देगी रे बाबा। तो अभी ना इससे पहले कि ग्रैनी यहाँ पे आ जाए, तो जल्दी से ये वाला कांच को हम लोग तोड़ लेते हैं, तो अभी ना बिल्कुल आराम से कहीं हमें कांच ना गड़ जाए। और यहाँ पे ना गाइस हमेशा एक क्रोवर पड़ा होता है, जो कि ये रहा ना भाई। और हाँ अभी ना यहाँ पे ग्रैनी आती होगी, और वेट मैं यहाँ पे कुछ तो भूल रहा हूँ भाई। तो ठीक है यार, अभी ना मैंने यहाँ का बॉक्स का अनबॉक्सिंग कर दिया है, तो जब तक यहाँ पे ग्रैनी आ रही है, तब तक आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आखिरकार उस बॉक्स के अंदर क्या होगा। अरे ये देख लो, एक नंबर का चोर है, पता नहीं आज हमारे घर पे क्या चुराने आया।
देख रहे हो भाई, खुद बच्चा चोर होकर मेरे को चोर कह रही है। खैर ये बच्चा चोर को छोड़ो भाई, मैंने ना यहाँ पे एक बॉक्स का अनबॉक्सिंग किया था, देखते हैं यार इसके अंदर क्या है। और ये लो भाई, मेरे को इसके अंदर से सेड की मिल गई है। और आप लोगों को तो पता है कि सेड की ब्रिज स्किप करने में कितना ज्यादा काम आता है। तो जब तक ना मैं इसको सेड की ओर लेके जा रहा हूँ, तब तक ना आप लोग कमेंट में गंजी ग्रैनी और गंजू ग्रैंड पर कमेंट कर दो, ताकि ये गंजू और गंजी को पता चल जाए कि हमारी डीएचएन फैमिली इनसे बिल्कुल नहीं डरती। तो सब लोग कमेंट करो गाइस, गंजी ग्रैनी गंजू ग्रैंडपा। तो जब तक आप लोग अभी कमेंट कर रहे हो भाई, तब तक हम लोग इस वाले की से इसको ओपन कर लेते हैं। और हाँ, अभी ना मेरे को जनरेटर केबल का काम आएगा, तो इस वाले केबल को अभी हम लोग को यहाँ पे लगा देना है, एंड बस इस वाले स्विच को ऑन करना है। और अभी फाइनली भाई पूरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। और वेट, मेरे को ना अभी स्टोन भी चाहिए होगा, जो कि मुझे गाइस यहाँ से एक तो मिल गया, और बाकी का अगर रास्ते में चलते चलते मिल गया तो सही है, वरना आप लोगों को तो पता ही है भाई मैं बहुत बड़ा पीरो प्लेयर है। तो ठीक है यार, अभी ना हम लोग इस वाले फूड एलिवेटर से ऊपर चलेंगे, क्योंकि मेरे को इस पर रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और भाई साहब पता नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे कोई तो है गाइस, क्योंकि अभी ना मुझे यहाँ पे काफी तेज तेज फूड स्टेप सुनाई दे रहे हैं। लेकिन अभी ना आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि मेरे पास अभी स्लिंग शॉट है। अबे ये क्या, ये बुढ़िया लगता सच में पागल हो गई है। निकल, पागल को पागल नहीं तो और क्या बोलूंगा। ओके, फिलहाल ग्रैनी तो मेरे को 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। तो चलो यार अभी जल्दी से चलकर हम लोग नीचे से क्रोबर को भी ले आते हैं। और भाई वो तो मैंने अब तेरी ऐसे मेरे बुढ़िया को मारा। ग्रैंडपा नहीं मारा, अब मेरा बुढ़िया को मारा। हाँ मारा, बुढ़े बोल क्या कर लेगा। अरे अरे भैंस को फिर मेरे क्यों मार रहा है। ये ले ये ले, हड्डी टूट नाक फूट। भागो रे देशमुख, पागल हो गया है। ओके गाइस, ये ग्रैंडपा तो मेरे से डर के मारे भाग गए। और अभी ना इससे पहले कि ये ग्रैनी को लेकर आ जाए, तो जल्दी से ये क्रोवर लेकर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। निकल लो रे बाबा निकल लो, कहीं सच में बुढ़ा बुढ़िया को लेकर ना आ जाए। और शायद अभी ना ग्रैंडपा ऊपर की साइड गए हैं, तो इसलिए मेरे को ना थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा, वरना ये लोग मेरे को मार देंगे रे बाबा। भैंस की बुढ़िया देशमुख ने मेरे को आज बहुत मारा, अभी जल्दी से मैं 1000 रुपए पी लेता हूँ, फिर 1000 रुपए से मैं उसको मारूंगा। देख रहे हो गाइस, सुन रहे हो उनकी बातें, सच में यार ये बुढ़ा बहुत ज्यादा ही बदमाश है। तो ठीक है यार, अभी ना मैंने यहाँ गेट को भी ओपन कर दिया है। और अभी ना गाइस मेरे को यहाँ से स्केप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रिज क्रैंक चाहिए होगा। और कलवा क्या हाल है। अबे नुबड़े निकल ले यहाँ से, वरना मैं तेरा पिच्छू पकड़ लूंगा। जमाइला ये कलवा मेरा बेइज्जती मार दिया गाइस, अभी यहाँ से चुपचाप निकलना ही सही है। और ये लो भाई, तो फाइनली मेरे को यहाँ से ब्रिज क्रैंक मिल गया। अरे ये क्या गाइस, मैं तो दोनों तरफ से फंस गया, ऊपर में पगली सिलेंडर और नीचे में ग्रैंडपा है। अरे रुक जा भैंस, तू भाग किधर रहा है। ए ए भाग मत, ए रुक जा। हां दैया रे बुड्ढा तो 10000 रुपए कर मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे दारू वाला आया घर से देसी बिटवा को निकाल, दारू वाला आया घर से। अरे ये देसी बिटवा किधर भाग गया। ओके यही सही मौका है गाइस, निकल लो। और मैंने ना अभी यहाँ पे शोर भी कर दिया, ताकि ये शोर से ग्रैनी इधर पे आ जाए और मैं यहाँ से चुपके से निकल लेगा रे बाबा। और अभी यार मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ से एस्केप करने के लिए। और अभी मैंने तो पहले ही कहा था गाइस कि ये पुलिस ग्रैनी ग्रैंडपा मेरे को रोक ही नहीं सकते, तो अभी इस वाले क्रैंक को यहाँ पे लगाना है। और बस मेरे आगे सब लोग फीके है गाइस। अरे भाई साहब सच में हमारा देश का इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, तभी तो इस गेम में स्लेंडरना की पावर को बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया गया है। बट डोंट वरी गाइस, आप लोगों को तो पता ही कि हम लोग को जीने के है 4 दिन बाकी है, बेकार दिन। तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पे शोर कर लेते हैं। अबे यार ये बार बार कहाँ से आ जाती है यार, ये पगली को ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गाइस अभी सब लोग कमेंट में पगली स्लेंडरना लिख ही दो। अबे यार ये क्या था, मैंने तो आप लोग को ऑलरेडी कह रखा है गाइस, सच में अभी ये दोनों बुढ़े बुढ़े ना पागल हो गए हैं। और अभी इससे पहले कि ये लोग वापस से आ जाए, इससे पहले मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। और अभी बस डर इतना है कि बस यहाँ पे सिलेंडरी ना आ जाए, वरना वो मेरे को वापस से मार देगी रे बाबा। ओके ओके हो गया, लेट्स गो गाइस। तो बाय बाय ग्रैनी, बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय पगली सिलेंडरीना। अरे ग्रैंडपा ये तो थोड़ा तो फिर से भाग गया, अब हम लोग को प्रमोशन कैसे हो ग्रैंडपा। बढ़िया, अब हम लोग का प्रमोशन है, डिमोशन होगा, डिमोशन के लिए तैयार हो जा। अरे बड़े बड़े थोड़ा और वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक करो, कौन से से करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना, खत्म।